जिस तरह से आप सबका सहयोग रहा है वह यह दिखाता है कि जब राष्ट्र की सुरक्षा की बात आती है, जब देश की संप्रभुता की सॉवरेंटी की बात आती है, तो उस समय यह देश के सभी लोग तमाम विचारधाराओं, धर्मों व पंथों के ऊपर उठकर राष्ट्र के लिए एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। यह हमारे भारत की विशेषता है। यहाँ तक कि अलग अलग राजनीतिक दल भी, जिनकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, वह बाकी समय भले ही अलग अलग हों, लेकिन बात जब देश की सुरक्षा की आती है तो हम सभी एक मंच पर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे आज हम सबको एक मंच पर इकट्ठा आप यहाँ पर देख रहे हैं। चाहे वह अलग अलग राज्य की सरकारें हों, क्षेत्रीय दल हों, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर यह सभी एक हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं समझता हूँ यह आज का कार्यक्रम है। साथियों, अंग्रेजी में एक कहावत है, जो लोग अंग्रेजी पढ़े होंगे उनको जानकारी होगी, ए गुड नेवी इज नॉट ए प्रोवोकेशन टू वार बट ए श्योरिटी ऑफ पीस। पीस हमारी इंडियन नेवी भी बे आप बंगाल समेत पूरे इंडियन ओशन रेजर में शांति की सबसे बड़ी गारंटी है, यह मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूँ। भारत की मैरीटाइम बाउंड्रीज जिन देशों से लगती है उन्हें यह समझना चाहिए कि मैरीटाइम सिक्योरिटी एक कलेक्टिव इफॉर्ट, सामूहिक प्रयास है। बाहरी शक्तियों को अपने घर के दरवाजे पर बुलाना और बिठाना उस यूनिटी ऑफ इफॉर्ट को चोट पहुंचाता है। बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी यह टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। भारत के इस प्रयास में सभी फ्रेंडली कंट्री के साथ जरूरी है, क्योंकि यदि एक भी देश छूटा तो समझिए हमारा राष्ट्र का सुरक्षा चक्र टूटा। भारत तोड़ने में नहीं बल्कि सबको जोड़ने में विश्वास रखता है, इसलिए हम लोग हर तरीके से सभी हमारी फ्रेंडली कंट्रीज मित्र पड़ोसी देशों के साथ को साथ लेने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं। साथियों, अंत में मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को एक बार फिर से इस वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन के शिलान्यास की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारतीय नौसेना और तेलंगाना सरकार को भी इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की हार्दिक बधाई देता हूं और आभार भी व्यक्त करता हूं। आपने मुझे यहां आमंत्रित किया, अपनी तरफ से कुछ बातें करने का अवसर दिया, इसके लिए भी आप सबको धन्यवाद देते हुए और पुनः इस बड़े प्रोजेक्ट की जो यहाँ शुरुआत हो रही है उसके लिए आपको बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अब मैं एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, नौसेना पदक, नौसेना प्रमुख से अनुरोध करती हूँ कि वे माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। ए पढ़ू एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, नौसेना मेडल, नौकादल प्रधान अधिकारी मंडलु रक्षण मंत्री श्री राजनाथ सिंह गारी ज्ञापिकनी अंदजेयमनी कोरुतुन्नानु। Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Chief Minister of Telangana, Shri Enumulla Revanth Reddy. Naukadala Pradhana Adhikari Manyulu Telangana Rashtra Mukhyamantri Gariki Nyapika Anda Chestunnaru. Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Minister of State for Home Affairs, Government of India, Shri Bandi Sanjay Kumar. Naukadala Pradhana Adhikari Gauravneelu Kendra Home Saka Sahaya Mantri Shri Bandi Sanjay Gariki
ज्ञापिक अंदजेवल्सिंदिगा कोरुतुन्नानु। Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Speaker of Telangana Legislative Assembly, Shri Gaddam Prasad Kumar. Naukadala Pradhana Adhikari Gauravneel Telangana Sabha Speaker Shri Gaddam Prasad Kumar Gariki Nyapika Andajeval Sindhika Korutunnanu. Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Minister of Forest and Environment Smriti Konda Surekha. Naukadala Pradhana Adhikari Gauravneel Atavi Shaka Mariyu Paryavarana Shaka Mantri Srimati Konda Surekha Gariki జ్ఞాపిక అందజేస్తున్నారు. I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Chief Whip Shri Patnam Mahendra Reddy. నౌకాదళ ప్రధాన అధికారి గౌరవనీయులు Chief Whip Shri Patnam Mahendra Reddy గారికి జ్ఞాపిక అందజేస్తున్నారు. Now I would request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Member of Parliament Medak Shri M Raghunandan Rao. Naukadala Pradhana Adhikari Gauravaneeyulu Medak Lok Sabha I request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Member of Parliament Chevilla Shri Konda Vishveshwar Reddy. Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Member of Parliament Mehboob Nagar Shrimati DK Aruna. Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Member of Legislative Assembly Parigi Shri T Ram Mohan Reddy. I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to the Honorable Member of Legislative Assembly Tandur Shri B Manohar Reddy. Now I would like to request Chief of the Naval Staff to present a memento to Honorable Member of Legislative Assembly Chevilla Shri K Yadaya. Thank you, sir.